दुष्यंत कुमार जी हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं। दुष्यंत कुमार जी का बहुत पॉपुलर एक पोयम है, आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। ये जो आग है दोस्तों, द फायर बर्निंग इनसाइड यू, द फायर विच कीप एक्टिवेट यू, द फायर विच कीप्स यू मोटिवेटेड डे एंड नाइट टू क्रैक दिस एग्जाम। और इस फायर का, इस आग का जीता जागता, इस पूरे के पूरे पंक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल आज हमारे साथ है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे एस्पिरेंट थे, एक ऐसे टॉपर हैं जो कि हमारे आज के गेस्ट भी हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही काफी हार्डशिप्स देखी हैं। सारी परिस्थितियों और सारे ऑड्स के बावजूद इन्होंने यूपीएससी के थर्ड अटेम्प्ट में अपनी जीत पक्की की है। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है एंड आई एम योर मेंटोर एट सिविल्स डेली एंड मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। होते हैं कुछ एस्पिरेंट्स दोस्तों, जो अपने डाई हार्ड एटीट्यूड से, अपने डेडिकेशन से, अपने कंसिस्टेंसी से उन सबको अपना हथियार बनाकर इस लड़ाई के में आगे बढ़ते हैं और फतह अपने हासिल कर लेते हैं। देयरफॉर आज हम सब के बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस बात का जीता जागता प्रमाण, एग्जाम्पल हैं। देयरफॉर गाइस, प्लीज वेलकम ऋषभ शर्मा, हु इज ऑल्सो नोन एज IPS ऋषभ शर्मा। Thank you very much, Siddharth, for your हाय very warm ऋषभ। welcome. I don't think I deserve that much, but still, that was a very warm welcome, and I thank you for that. Going ahead, I would like to add one thing. कि when I became an IPS, or I became IPS in my second attempt, not third. So, but I have also given my third attempt as well in 2021. So, Siddharth, we will carry on from here. Please, on to you. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। एंड ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो हमें वॉच कर रहे हैं। एंड बिफोर आई शुड गो फॉरवर्ड, मी द एंटायर टीम ऑफ सिविल्स डेली वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कि आप अपना समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देते हैं ऋषभ, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू। Thank you as well for providing me the platform. And to be honest, I was talking to one of the faculties from Civis Daily, Praveen Garze. So I was telling him as well ki this session is Guru Dakshina from my side to you, because I would like to add some things which helped me on the part of Civis Daily. So should we go on for that right now, or at some other point of time? Right. So, dear aspirants, guys, I will now take this opportunity to ask few questions from Rishabh, and of course, उससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ, बहुत हार्डशिप के साथ ऋषभ ने ये कामयाबी अचीव की है। सो डेफिनेटली हम इनकी स्टोरी भी सुनना चाहेंगे, एंड देन आफ्टर, आई थिंक आफ्टर वन और टू क्वेश्चंस, देन आई विल हैंड ओवर दिस प्लेटफॉर्म टू यू, ठीक है? और देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तब तक आप नोट करते रहिए और अपना हाथ रेज कर दीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड ऋषभ, मेरा एक अपना निजी पर्सनल सवाल था जो कि एक दो दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि जब मैं आपसे बात करूंगा तो आई विल आस्क यू। बहुत ही डिसेंट उम्र है, आप 25-26 इयर्स की आपकी एज है और काफी कुछ आपने देखा Sorry, है। sorry. I would like to correct you right here. Sorry to interrupt. I am 23 and some 8 or 9 months old. ओ Not माय गॉड, 25 or 26. Yeah. सो बहुत 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 ही ये एक मासूम उम्र है, और इस समय ये एक एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए कि जो
जो 23 साल के हैं और उनकी कोई ड्रीम्स नहीं है एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज दैट व्हाट दे शुड डू एंड हाउ दे शुड अचीव देयर गोल्स. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी एंड दिस इज लाइक एडिंग मोर वैल्यूज टू दिस इंटरव्यू एक्चुअली एंड दिस इज मोर इंस्पिरेशनल एंड आई एम श्योर ये इंटरव्यू थोड़ा और इंस्पिरेशनल होगा धीरे धीरे. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत कुछ है जो ऋषभ हमें शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस से. सो जो मेरा सवाल था ऋषभ ये था कि मैं वो बात कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैं ये कहना मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप क्लास 12th में थे तो आपके फादर गुजर गए थे और इसका हमें बहुत खेद है, बहुत तकलीफ है इस बात की एंड सो सॉरी फॉर द लॉस. लेकिन आपके ऋषभ आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे जब ये लॉस आपके फैमिली में हुआ और फिर आपके करियर में क्या चल रहा था, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और ये ट्रॉमा कैसे बर्दाश्त हुआ आपका? तो सिद्धार्थ ये जो हुआ, पापा एक्सपायर हुए तो मैं क्लास 12th में था, तो नेक्स्ट डे लाइक वी टॉक ऑन कॉलेज बेल, मेरा एग्जाम था द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन माय फादर एक्सपायर, मेरा फिजिक्स का एग्जाम था एंड आई स्टिल मैनेज टू स्कोर वेरी डिसेंट मार्क्स इन दैट एग्जाम बियॉन्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, एस्पेशली एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई फैमिली. उन्हें लग रहा था कि क्या एग्जाम देगा, तो मतलब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं. बट आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम, माई फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई अंकल्स, माई ब्रदर फॉर दैट, बिकॉज देयर सपोर्ट मेड मी डू ऑल दिस फ्रॉम राइट देयर, फ्रॉम दैट एग्जाम टू क्रैकिंग द सिविल सर्विसेज. माई फैमिली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. तो उनका जो रोल आया कि नहीं बेटा जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है. तो आगे बढ़ने का जो एटीट्यूड है, लाइक व्हाट वी जनरली से दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट ना, सो दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट मेड मी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर. तो वहां से जर्नी शुरू हुई. देन आई ऑप्टेड फॉर बीएससी इन ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन में भी मुझे जब लग रहा था कि मैं अपने आप के साथ भी थोड़ा मजाक कर रहा हूँ एक पढ़ाई का, क्योंकि व्हाट आई वाज डूइंग वाज क्रैमिंग द थिंग्स, रिपीटिंग देम इन एग्जाम्स. तो मुझे लग रहा था कहीं ना कि आई वॉज नॉट डूइंग दैट वेल इन साइंस स्ट्रीम. देन आई हैड ऑब्जर्व द सोसाइटी एज वेल, कुछ प्रॉब्लम्स दिखती थी जनरल, लाइक द इश्यूज वुमेन आर फेसिंग, इश्यूज फेस्ड बाय पुअर पीपल एंड एस्पेशली द इश्यूज फेस्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड इश्यूज ऑफ देयर एजुकेशन. तो ये जो इश्यूज थे इनसे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर काम करना चाहिए और पर्सनल लाइफ से बाहर निकलना चाहिए हमें कहीं ना, क्योंकि हर कोई अगर पर्सनल लाइफ पर सोचता रहेगा तो वो हम एक पर्सनल सर्कल में ही फंस के रह जाते हैं. सो दैट थिंग इंस्पायर्ड मी एंड वहां से मैंने सिविल सर्विसेज की जर्नी शुरू की अपनी. राइट नो, बहुत ही बहुत टफ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हम कुछ सोच समझ पाते हैं और इस सिचुएशन में एक्चुअली आपने उस रास्ते को चुना जो कि अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही मुश्किल था. जैसा आई थिंक जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें आपने ये जिक्र किया कि जो जितनी भी चीजें आपके पास थी आपने उन चीजों पे फोकस किया, जो चीज चली गई थी, जो चीज नहीं थी उसको हम वापस तो नहीं ला सकते लेकिन जो चीज है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है. ऋषभ थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लोरिंग, ये एक अपॉर्चुनिटी है ये सबके लिए. So thank you so much for saying all these. Pleasure. Great. So एक मेरा एक और सवाल था यहाँ पे ऋषभ की, जब आपने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट, आपने कहा सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया इस एग्जाम को. सो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इस सिचुएशन में जहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, जहाँ पे शुरुआत में आपने बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन इस सिचुएशन में आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर लिया जहां पे लोग को 5-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, जहां पे लोग भटकते रहते हैं, तो वो क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जो कि आपने फिल्टर किया और सेकंड अटेम्प्ट में ये जीत पक्की की? सर ये क्वेश्चन जो आपका है ये आज की हमारी थीम जो मैं थोड़ी देर पहले देखा कि व्हाट आर द 4 or 5 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर यूपीएससी जर्नी, उसके साथ बहुत अलाइन कर रहा है, तो मैं उस थीम के साथ ही अलाइन करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को. Right. तो
मेरा मानना ये है यूपीएससी सीएससी को लेके कि दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि एक एग्जाम है, मैंने जाना है और बस क्लियर करके ही वापस आना है। ऐसा आप सोच के नहीं चल सकते। यहाँ आपको 3-4 steps यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इन माय ग्रेजुएशन डेज, लेट मी टेल यू दैट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन राइट फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। ओके, तो इस वजह से मेरे पास टाइम ज्यादा था, तो मैंने फॉर्मल कोचिंग भी कहीं से नहीं की। तो वहां से शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहें तो वो आया सेल्फ कॉन्शियसनेस से। सो व्हाट वी नीड टू डू इज व्हाट वी नीड टू बी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट आवरसेल्फ्स, वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ्स, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट आवर से पोटेंशियल। तो हमें अगर अपने पोटेंशियल का पता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हमें करना क्या है, तो द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज set up a goal in your life or even explore a goal in your life. Like most of the people are around the CSC just because to create crack the exam. So aisa mere man mein aisi koi strategy nahi thi ki mujhe CSC crack karna hai. Mera ye tha, mujhe laga ki platform acha hai, maine mera goal dekha ki yaar we need to work for the society, to us goal ke sath align ho raha tha CSC, to maine socha chalo acha hai, agar CSC nahi to kuch और कुछ भी कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएससी से ही होगा। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक अ गोल, देन यू नीड टू रियलाइज हाउ टू रियलाइज दैट गोल, एंड द थर्ड स्टेप विल बी इफ यू नो द वे देन वर्क अपॉन इट। देयर विल बी 3 की वैल्यूज आई वुड से दैट वुड बी रिक्वायर्ड, लाइक यू नीड टू हैव पेशेंस, और द थीम ऑफ आवर दिस सेशन इज कंसिस्टेंसी। That patience and consistency is the biggest key factor, I would say, in the journey of UPSC CSC. मैंने इसमें mention भी किया था कहीं session में, sir quote पूछ रहे थे मुझसे कि ये journey एक ऐसी है जहाँ you can just know कि आपको कब enter करना है इस journey में, but you never know when to exit the journey और ये कब खत्म होगी। So patience or consistency is the key. Then dedication is obviously required in every other field you need to work upon. And the third thing will be hard work. So, मेरी जर्नी का जहां तक आप पूछ रहे थे, तो ये तीन जो वैल्यूज थी इन्होंने बहुत हेल्प किया। लाइक आई यूज टू कीप माई गोल्स, माई डेली गोल्स वी कैन से वेरी शॉर्ट, ज्यादा एम्बिशियस गोल्स नहीं कि मुझे पहले दिन से 15 घंटे की पढ़ाई शुरू करनी है। आई यूज टू कीप माई गोल्स वेरी रियलिस्टिक। सो वेन आई स्टार्टेड आई यूज टू रीड जस्ट अ न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी 1-2 chapters. आई ग्रेजुअली वेंट अपॉन 7-8 hours, and in my second attempt of my mains, I used to go to the library for 12-13 hours as well. So that is that you need to build upon your potential. ऐसा नहीं है कि आप ambitious goals set करो, आज आप किताब लेके बैठ गए, आपने सोचा कि आज पूरी बुक खत्म करनी है, कल फिर पूरे दिन क्रिकेट खेल रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। You need to build upon the things. मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका quote है, but I would like to quote here. कि मैटर नहीं करता कि आप कितनी दूर चले, मैटर करता है कि आप हर रोज चल रहे हैं। राइट, तो धीरे धीरे चलते रहिए। तो यही मेरे साथ हुआ सेकंड ईयर ग्रेजुएशन से लेके अभी तक, ऑलमोस्ट 4-5 years हो गए थे। सो आई यूजुअली बिल्ट अपॉन व्हाट आई वाज यस्टरडे, सो ट्राई टू बिल्ड अपॉन थिंग्स। एग्जैक्टली, नहीं, आपकी सारी की सारी बात बहुत जेन्युइन, बहुत सच है। इनफैक्ट यूपीएससी के इस जर्नी में कहा जाता है कि योर एवरी डे इज अ स्प्रिंट एंड द होल जर्नी इज लाइक ए मैराथन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नो अदर वर्ड्स टू डिफाइन दिस। या डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि किसी भी, अगर हम किसी भी एक एस्पिरेंट से या फिर जो बहुत हार्डशिप से गुजरे हैं, उनका अगर हम देखें या उनकी बात भी करें, या फिर अगर मैं आपकी बात भी रिलेट करूं, तो यही है कि इट्स नॉट यू वर्सेस 10 लाख एस्पिरेंट्स, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। यू, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ग्रेट, दिस इज सो, एंड दिस इज यू लाइक यू वुड नीड टू कीप इन माइंड एज वेल, एस्पेशली दोज एस्पिरेंट्स हु आर इन फॉर द प्रिपरेशन। यू ऑलवेज सी lakhs of guys surrounding you and always this is discussing budget, economic survey, and you feel helpless, like right. How can these guys be so active all the day around? So don't compare yourselves, be self-confident,
That is the key. Great. So thank you so much, Rishabh, for answering these questions. Or now I'm going to hand over this platform to our aspirants. Yes, yes. But before that, sorry to interrupt. Yeah. I would like to mention the role of sales daily as well. And guys, it's not that I'm speaking on their platform and I'm speaking about sales daily. It's just that I am thankful for them for whatever help they provided. So let me tell you an honest journey with Sales Daily. When I started preparation back in 2016, so gradually I came upon the thing that we need to be well prepared with the current affairs. So Hindu padhna bahut mushkil hota hai shuru mein, especially when you do not have the grasp on basics. So Sales Daily used to come with a kind of analysis of OPD in written form. Now I saw 2-3 days back ki ab to OPED analysis bhi aa rahe hain inke YouTube pe, and these are really great. So what I used to do was jo inke Hindu ke analysis aate the wo bahut acche se summarize, like unka naam jahan tak mujhe dhyan aa raha hai wo hota tha back to basics, right? Aisa kuch. Yeah, so those help. In my second attempt, I enrolled in their interview mentorship program that was free of cost. And it was a one-on-one session, then a virtual session, as well as a physical session for a mock interview. And the thing I need to be most thankful is Sajal sir's, you can say, guidance in my third attempt. So I have written in mains in 2021 as well. And I can say about marks scheme, mujhe kitne marks milenge aapki baar mains mein. But one thing I can say for sure is I have improved what I did in my second attempt. I was so innovative in my answers. Like jab maine mains mentorship join kiya, inka smash mains karke ek program hota hai inka, to Sajal sir ne personal guidance, like he used to talk with me on call like for 1 hour, 1.5 hours, just to remind me of things what need to be done and what does not need to be done. To unka jo smash mains program tha, that really helped, and that help in such a way ki I can't define in words, because I was so innovative. Like in GS2, I was innovating some new diagram, flowchart in every other answer. So I was so confident after GS2. So Sales Daily has surely played a very big role in my journey. So thank you, Siddharth. You're welcome. Thank you so much. And yes, I agree with you with the fact, Rishabh, ki Sajal sir ka jo personal guidance hai, unka jo mentorship angle hai, it's like a totally different, bahut personalized, wo ekdam emotional intelligence level pe aake wo aapko aapse share karte hain sari cheezein. Unka experience bhi bahut rich hai. So I'm glad ki aapke wo mentor the, and simultaneously wo success bhi mili. Or thank you so much for sharing this insight. So now thank you. I'm going to hand over this platform to students and aspirants jo ki besabri se intezar kar rahe hain aapse question puchne ka. So basically, so guys, agar aap mujhe sun pa rahe hain, if you can hear me, so you can raise your hand here and then you can ask questions. Okay, one by one I will pick you up. Otherwise I will take questions from the comment section. Okay, so I think somebody is here with the name of Sayan Mandal. So let us hear out from Sayan Mandal. Sabse pehle hamare aspirant hai. Please unmute yourself. Hello. Hi, Sayan. Sir, so first of all, I want greetings. IPS sir. So for attending. So my question is that there is a similarity with the said that I am also in currently in second year in graduation, and I am from West Bengal, and I am currently doing my graduation in history from Jadavpur University. So my question is that, sir, along with as a college student, how to begin our preparation? Like I have to face many problems that I have to simultaneously give a few hours to my college studies along with, and there is a, I cannot get a few times for my civil service preparation. So how to manage this situation as a college student and as a beginner?
Right, right. Thank you so much, Sayan. We hear you. I think Rishabh, that was quite clear. He wants to understand actually second year mein hai and kaise preparation started. I can see the name or but I would like to answer that. Yeah. There are two things you need to keep in mind. First thing is that you need to balance this. You cannot go on without your graduation. That is the minimum educational qualification you require. So take care of that as well. You just can't go for your CSE all the time. You have to create a balance. Like, it's difficult for every other aspirant, especially for those who are not going for coaching or who are going for self-study. So aapko kya karna hai, balance to aapko zarur maintain karna hi hai. Second thing you need to remember is UPSC is not just a test of a certain number of books or 10-12 books. Try to build on your experiences, your observations. Like, ab jab aap college mein bhi hain, to apne around cheezein observe kijiye ki kya ho raha hai, kyun ho raha hai. Like, you are a student of history, I think, as far as I could hear. So, try to build on that subject, that particular subject, because people are spending some 6 to 8 months or a year for optional subject coaching in Delhi ORN. So what you can do is you can prepare your optional very well in these graduation years. Second thing you can do is divide your time up. That is the best strategy to do to manage your time in a day, even if you are preparing for CSE or not preparing for CSE. So what you can do is divide your hours, like for this much time I would study for college and this much time I would only study for CSE. And some common things you can adapt to balance both is like reading newspaper in the library, or when you go in the college library, try to see very good books related to UPSC, CSE as well as your graduation. So balance kahin na kahin aapko khud se create karna padega wo, and that will obviously help. Great. Thank you so much for answering that question, Rishabh. We will take the next question from Samrat Utkarsh. Samrat, could you please unmute? Question pooch sakte hain. Hello, sir. Very congratulations, sir. Hello, sir. Very congratulations, sir. Sir, actually, right now I am in my third year of graduation. Sir, but right now I cannot figure out, right? Like, sir, so many people say that firstly read NCERT and, sir, read the Hindu or the Indian Express. Sir, but what about after that, sir? What to do after that, like after NCERT? What's your name? I can see the name Siddharth. And Siddharth, yes, do sir. One more thing. You can say to all the aspirants that they can ask questions in Hindi as well. So nobody should be shy of asking questions in English only. Okay. So we would be taking questions in Hindi as well. And I'll be speaking in Hindi as well from now. Okay. Right. So, yeah. तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड ईयर ग्रेजुएशन इन हिंदू एनसीईआरटीज, दीज थिंग्स आर लाइक व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड आस्क एनीबडी, ही विल से कि गो फॉर एनसीईआरटीज, गो फॉर रीडिंग द हिंदू एंड यू विल बी डन. सी, यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. इफ यू हैव अ स्ट्रीम ऑफ योर चॉइस, लाइक अलाइनिंग विद योर ऑप्शनल, जो आपके ऑप्शनल के साथ अलाइन हो रही है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. दूसरी चीज, मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर्स का ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन आज आपने प्रिपरेशन शुरू की और कल से आपने न्यूज़पेपर शुरू कर लिया. दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वे टू डू. जब आपकी बेसिक्स ही प्रिपेयर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर नहीं कर सकते. सो डोंट फोर्स योरसेल्फ ऑन टू न्यूज़पेपर्स. आप अपने बेसिक्स तैयार कीजिए पहले, एटलीस्ट रीड द एनसीईआरटीज फर्स्ट. जब तक आप एनसीईआरटीज क्लियर कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा. लाइक इफ यू आर इन अ सेशन ऑफ, लाइक आपने पॉलिटिक्स की कोई भी बेसिक्स वो पढ़ी नहीं है एंड यू स्टार्ट रीडिंग की ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेजोल्यूशन पास किया, देन व्हाट विल यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर? नथिंग, नथिंग एट ऑल. यू विल स्किप द इकोनॉमी पार्ट, यू विल स्किप द पॉलिटिक्स पार्ट. सो न्यूज़पेपर्स का ऐसा है कि पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए. बिना बेसिक्स क्लियर किए न्यूज़पेपर पे मत भागिए, इतना जल्दी है नहीं. हाँ, यूपीएससी का एक पैटर्न अब हो गया है थोड़ा सा पिछले 2-3 साल से, कि वो एक साल के बजाय पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज
अगर आपको न्यूज ये है कि मैंने आज प्रिपरेशन शुरू किया है, मैं कोचिंग कर रहा हूँ और मुझे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट सिविल्स देना ही है, तो व्हाट यू कैन डू इज ऑप्ट फॉर सम एनालिसिस वीडियोस, लाइक सिविल्स डेली के एनालिसिस वीडियोज आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपको सीधा ये नहीं बताएंगे कि ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया. व्हाट दे विल डू इज दे विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो दे विल क्लियर योर बेसिक्स एज वेल. So even if you are going for a newspaper from day one or a month or two months of your journey, start with OPID and analysis that you have. All right, great. So thank you so much, Rishu, for answering that question. We will take the next aspirant. Ganesh Dubey, could you please unmute yourself and ask question? Yes, sir. Very good evening. And, okay. Sorry to interrupt. Siddharth, I recall he had asked that what after NCRTs and newspapers. So I skipped that part of question. So I can't remember the name. Okay. Yeah. So that for that thing, I would like to say ki just search for a common book list. Search for Topper strategy. And search for some common books like Spectrum for Modern History, Lakshmikant for Politics. Go for a standard list. Don't fall for this ki usne Spectrum padha tha, to agar main Bipin Chandra padh lunga to koi problem ho jayegi. So, aisa kuch nahi hai. Aap ek standard book list tayar kijiye. But ek cheez main kehna chahunga ki apne resources ko bahut hi confined rakhiye aap. Resources jitne confined rahenge utni achhi preparation hogi, kyunki aapko zyada nahi padhna hai, aapko एक चीज को ज्यादा बार पढ़ना है, बिकॉज सिलेबस इज सच ह्यूमंगस कि आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे अपनी पूरी लाइफ में भी. तो रिसोर्सेज को कन्फाइन कीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए टॉपर स्ट्रेटजी, एक कॉमन बुक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, एंड देन गो फॉर दोस बुक्स और यू कैन ऑप्ट फॉर कोचिंग. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो या थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर आंसरिंग इट. And next question, मैंने किससे, तन्मय से पूछा था, who was answering that question? Ganesh. Right. Yeah, Ganesh, please continue. Sir, I have a confusion among the two subjects. So to go with the optionals, I personally feel like that I am interested in pol science and history, but I am unsure as to what I should adopt or what should I be preparing for. Pol science and history. What was your graduation subject? Sir, I'm currently pursuing Pol Science Honours from University of Delhi. Then you must not be so confused with regards to your optional, because if you are going for Honours course and that too in Delhi University, you must be good in that subject. But still, I would say ki optional subject ki best strategy hoti hai apne interest ka subject uthane ki. So don't fall for ki इस सब्जेक्ट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या पिछले तीन साल में इस सब्जेक्ट के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, या उसने ऑप्शनल ये ले लिया तो मैं भी ले लूं. अगर आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है तो यू कैन स्टिल गो फॉर हिस्ट्री, बट इफ यू आर गुड इन पॉलिटिकल साइंस एंड यू आर अ ऑनर स्टूडेंट, यू शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस इफ यू आर इंटरेस्टेड. ओके सर, सो काइंड ऑफ यू. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. ये बात आपने बहुत अच्छे से बताया ऋषभ की कोई और ले रहा है इस वजह से मत लो. आपका इंटरेस्ट क्या है, सी व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट, तब आप लो. कभी कभी तो ऐसा भी होता है. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर. राइट, श्योर जी कि व्हाई इंटरेस्ट मैटर्स, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन में साइंसेज के सब्जेक्ट्स थे एंड स्टिल आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस एज माय ऑप्शन. Right. So I went for political science, MA with political science in DU as well. So mera second attempt mein optional ka score dekhi, wo first attempt ke comparison mein increase hua tha by 118 marks. So it was unbelievable for me as well. 118 marks kaise badh sakte hain? But that is where interest comes. Kyunki mera interest tha, to main aur build on karta gaya cheezon pe. So I improved my score in optional as well. So optional aapke interest ka hona chahiye. Right. Yes, Siddharth. Right. No, ek rational logic hona chahiye apne optional subject ko choose karne ke liye. Kabhi kabhi log aisa bhi karte hain, head aur tail kar lete hain. Head aaya to ye optional, tail aaya to ye optional.
So this is remember not... that this is not a 2020 match or an ODI match that will end in a day. This is a very serious thing and you need to keep in mind. Exactly. ये जरूरी नहीं कि मेरे रूममेट का अगर पॉलिटिकल साइंस है तो मैं भी पॉलिटिकल साइंस लूं, ठीक है? कभी कभी ये होता है कि हाँ मेरे फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बॉयफ्रेंड का ये है वो भी तैयारी कर रही है साथ में लूं, तैयारी भी साथ में हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगा. सो दिस इज नॉट एक्चुअली डेफिनेटली ये नहीं चलेगा. सो आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स अगर हमें सुन रहे हैं दे कैन रिलेट, डेफिनेटली दे कैन रिलेट हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट. I'll pick the next question from Kirti Sharma. Kirti, please unmute yourself. Ask your question. Yeah, good afternoon, sir. Good evening. Good evening. Actually, I want to ask how to be consistent, because maintaining consistency throughout has been something that I lag in, and also about how to revise, because whenever I know that about revising, I feel very much, I don't know why. Okay, so I want see, to know about these two things. Yeah. Okay. Kriti, you mentioned two things, revising as well as maintaining consistency. And you think that is your problem. But let me tell you a very honest thing. This is the problem of 90% of the UPSC civil service aspirants. This is a problem because of the nature of the exam. Like the revision is a problem because the syllabus is such humongous that if you finish history today, and start with geography, that will take another 1 or 1.5 months. So by that time, you'll forget what you read in history. So आपको ये लगता है कि मैं हर रोज नया सब्जेक्ट पढ़ता रहूँ तब तक ठीक है, but जब मुझे किसी ने revision का कहा, that is a problem. क्योंकि ये हमारी एक human nature भी कह सकते हो आप, कि ये है कि हम नई नई चीजें पढ़ने में interested होते हैं. And if you are asked to revise the same thing again and again, everyone feels ki yaar ye mere se nahi hoga, ye bar bar nahi ho raha, but still aap kya kar sakte hain, jab bhi aap revise kare to agar aap book se revise karne hai to aap apne notes ko saath rakhein aur try kare ki kuch na kuch nayi cheeze aapko notes mein add karte rahe. So when you are revising in that sense, you are always interested ki yaar yahan koi na koi nayi line mil jayegi ya kuch aisa mil jayega. So what I would do is I would share 2-3 picks with Siddharth and he will share with them on the platform. Main aapko dikhaunga ki mere notes kaise the, like they are colorful in 7 colors like a red pen, black pen, blue pen. So I always try to add in my notes, so wo revision ko thoda interesting bana deta hai. Second thing is consistency. So consistency ka maine pehle bhi mention kiya ki try to take simple steps and build on them. आप एम्बिशियस गोल्स मत रखिए कि मुझे आज 9 घंटे ही पढ़ना है. अगर आपकी कैपेसिटी शुरू में पोटेंशियल 4-5 घंटे का है तो आप वहां से शुरू कीजिए. दूसरा, डिस्ट्रैक्शन सभी के साथ होते हैं, फैमिली के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली का कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स मैरिज सभी के साथ हैं डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेटिव एज. सभी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी को शादी करनी है, किसी को नहीं करनी है. So everyone is a little bit confused, na? So everyone is distracted as well. Yes, so what you need to do is just be confident about your goal. कि मुझे मेरा ये goal है और मुझे हर रोज इतने इतने steps इस goal के लिए लेने हैं. तो हर रोज अपना build on करने, जहां आप आज खड़े हैं वहीं मत रहिए, कल वहां से थोड़ा आगे बढ़िए. वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी और वो आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करेगी. ओके सर, थैंक यू सर. राइट, नो वेल ग्रेट. आई मीन बहुत ही पर्सनलाइज्ड और बहुत अच्छा आपने एनालॉजी भी दिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया. इस बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे. आई थिंक एक हिंदी के बहुत पुराने शायर हैं, पोएट्री लिखते हैं. आपने जब कहा ना कि आज जहां पे हो उससे आगे बढ़ो, तो उन्होंने ये लिखा था कि एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा. तुम कुछ लिखो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम जीत जाओगे. फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम लिखो तो सही. सो डेफिनेटली जो आपने बात कही ये पूरी की पूरी, ये पता चल रहा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या जर्नी रही है आपकी. See, I would like to add one thing here. As Siddharth has said, ki
मैं आपको यहाँ कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको मेंटर कर रहा हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही बता रहा हूँ पिछले 5-6 साल के. तो मैं अगर आप उनसे रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन कि इफ दैट वर्क फॉर मी दैट विल वर्क फॉर यू एज वेल. बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड एज वेल. डेफिनेटली गुलजार साहब ने कहा था ऋषभ की क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल चुका है और डेफिनेटली ये वो जगह नहीं, ये वो स्टॉपेज नहीं है जहां पर रुकना चाहते हैं, और हम सब चाहे हम कोई भी पोजिशन पे हो आप उसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे. सो टू कंटिन्यू द सीरीज लेट्स आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कनिष्क. कनिष्क प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन. हेलो हेलो सिद्धार्थ सर, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल बडी, प्लीज आस्क. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ऋषभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फीट. थैंक्स. सर मेरा डाउट सर बेसिकली ये था कि सर जैसे जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो सर उसको यानी उसको सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करें, उसका रिवीजन शेड्यूल क्या रखें, और सर और जो अगर कुछ अपन को वैल्यू एडिशन मिलता है तो उसको अपने जो मेन नोट्स हैं उसमें इंटीग्रेट कैसे करें सर? That is a very nice question, especially with regards to prelims. Right. So mains, जो test series होती है हमारी, वो ऐसा होता है कि we are under a lot of pressure in that time. हमारे पास 2 महीने होते हैं, उनमें हमें कम से कम 10-12-15-20 test लिखने होते हैं. So we are under pressure and revision उन test series का बहुत मुश्किल हो जाता है. So what we do is we just revise the basic points which we had not written in the paper or the mains mock test. But as far as prelims is concerned, I would like to add one thing. First, stress series ऐसा नहीं है कि एक होली बाइबल है आपके हाथ में, आप उसको लेके कुछ भी कर जाएंगे. प्रीलिम्स का सबसे जो मैंने 3 प्रीलिम्स दिए हैं और मेरे तीनों बाई गॉड्स ग्रेस क्लियर हुए हैं. सो व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय जर्नी इज कि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि आपने 100 टेस्ट लगा लिए तो यू विल डेफिनेटली गो थ्रू. फॉर प्रीलिम्स आई वुड लाइक टू एड रिविजन इज द की. रिविजन जो है आपको वो सबसे अच्छा बनाएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर ऐसा हो गया है, बहुत डायनेमिक है, सिलेबस बहुत डायनेमिक है, बहुत बड़ा है. सो यू कैन गो ऑन टू सोल्व एवरी अदर क्वेश्चन ऑन एवरी अदर टॉपिक. सो रिविजन इज द की. एंड सेकेंड थिंग इज की बहुत मिनिमम तो नहीं बट एक इनफ नंबर ऑफ टेस्ट रखिए. ऐसा नहीं है कि आपको 120 मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि उसने किसी और ने भी लगाए थे. Right. So you can pick one test series, solve on that. आपने अगर सुबह सोल्व किया है test series, तो शाम को आप उसको analyze भी करिए कि मैंने क्या गलती की. और यहाँ सबसे जरूरी मैं ऐड करना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपने गलतियां क्या की हैं, कि आप कोई चीज याद नहीं कर पा रहे हैं या याद करने के बावजूद आप कोई गलतियां कर रहे हैं. तो आप गलतियां पकड़िए, आपकी कॉमन मिस्टेक्स क्या है वहां पे, तो उन कॉमन मिस्टेक्स को पकड़ के आप वो लिखते रहिए, एक जगह एड ऑन कीजिए कि मैं हाँ मॉक टेस्ट लिखते हुए ये प्रीलिम्स में गलतियां कर रहा हूँ. दूसरी बात रही रिवीजन की, तो अगर आपने सुबह लिखा कोई टेस्ट तो आप उसको शाम को रिवाइज कीजिए. 15 टेस्ट लिखने आपको तो 15 दिन लिखिए, उससे अगले जो 15 दिन है उनमें आप लिखने नए मॉक टेस्ट लिखने की बजाय उन टेस्ट को रिवाइज कीजिए. अगर हो सके तो दिन में 2 बार रिवाइज कर लें, जितना आपके पास टाइम है. उन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए जो बहुत डायनेमिक लग रहे थे आपको या बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, जो आपने बिल्कुल पता ही नहीं था आपको कि ये क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं. जो आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं या जो जिन पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा कम रिवीजन का टाइम दीजिए, जहां आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे उनको ज्यादा टाइम दीजिए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. ग्रेट. नो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. We'll pick up another aspirant called Bhanu Kumar. Bhanu, could you please unmute yourself and ask a question? So, इन्होंने कहा है ऋषभ, ये लिख रहे हैं हमारे comment section में that इनके पास कोई question है नहीं preparation के लिए, but he is asking that how to handle anxiety, ups and downs in our preparation, and how to deal with pressure during these UPSC and ups and downs during. इसके बारे में ये पूछ रहे हैं. और मेरे हिसाब से इसका भी वेरी नाइस क्वेश्चन. एंड ये तो इसे मैं रिलेट कर भी सकता हूँ इस क्वेश्चन से काफी. तो ये मैंने शायद मेरे डिस्क्रिप्शन में या जो कोट
इस प्लेटफॉर्म पे लिखा था उसमें भी दिया था कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलेक्ट. यूपीएससी आपका इंटेलेक्ट नहीं टेस्ट कर रही है वहां पे. यूपीएससी हम कह देते हैं कि उसके इंटरव्यू को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट. तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट आपका सिर्फ इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट प्रीलिम्स में भी हो रहा है और वो मेंस में भी हो रहा है. सो हाउ कैन यू रिलेट टू दैट? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीलिम्स का मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए बहुत डायनामिक हो गया है. सो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गैस नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा. अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस के पेपर उठा के देखिए आप जीएस के, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम पढ़ने के बावजूद उनका आंसर्स को ना लिख पाए. बट वॉट मेक्स मेंस चैलेंजिंग एज वेल एज ए पर्सनैलिटी टेस्ट इज की आपको 3 घंटे में ही वो आंसर्स लिखने हैं और वो भी दिन में 2 पेपर लिखने हैं आपको, और ऐसा करके आपको 2 दिन में 4 पेपर साइमल्टेनियसली लिखने हैं. तो वहां सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट का टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको क्या याद था, आपने क्या पढ़ा था, वहां टेस्ट हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी का भी कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, एंजाइटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रेशर को कैसे मैनेज कर रहे हैं. सो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन. सो वट यू नीड टू डू टू मैनेज स्ट्रेस एंजाइटीज कि एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपने शेड्यूल में जरूर रखिए कि लाइक टॉकिंग टू फ्रेंड्स और प्लेइंग क्रिकेट और लिसनिंग टू म्यूजिक, जो आपको हर कुछ देर में फ्रेश करती रहे. व्हेन यू स्टे एफ्रेश यू विल कंटिन्यू. बट अगर आप 2-3 दिन सिर्फ मोनोटोनसली पढ़ते रहे सो यू विल गेट इन अ सिचुएशन ऑफ बोर्डम. देन यू विल थिंक कि अब मैं क्या करूं, अब तो 1 दिन का रेस्ट चाहिए. सो 3 दिन पढ़ के आप 1 दिन खराब करेंगे, उससे अच्छा है कि आप दिन में 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकालिए उन चीजों के लिए जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं. तो वो चीजें कीजिए. लाइक आप 1 घंटे पढ़े, देन यू टेक 10 मिनट रेस्ट, यू जस्ट लिसन टू म्यूजिक और सी क्विक क्रिकेट स्कोर ऑन क्विक बज. सो ऐसी चीजें अपने शेड्यूल में जरूर रखिए कि जो आपको एफ्रेश रख सकती है. दूसरा, ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखें. लाइक माई फैमिली वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट आई गॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. सो इवन वेन माई फैमिली कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या यूपीएससी, क्या सीएससी, क्या ईएस, तो भी मैं उनको बताता रहता था कि आई एम डूइंग दिस प्रिपरेशन टुडे, आई कंप्लीटेड दिस बुक, टुमारो आई विल बिगिन विद दिस. तो ऐसे लोगों से बातें कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराते हो, जो आपको पॉजिटिव महसूस कराते हो, और चीजों में इन्वॉल्व रहिए. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ आपको पढ़ाई से ही आपका टैक होगा एग्जाम. एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक ऑफ जरूर रखिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं. तो डेली शेड्यूल में एज वेल एज कुछ दिन के बाद ब्रेक जरूर रखें. ब्रेक आपको फ्रेश महसूस कराता रहेगा. राइट, नो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. इसी के साथ ऋषभ, क्या आप जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उस पे आप क्या एंगल डाल सकते हैं क्या, कि जब हम जो मेंटरशिप के बारे में हम कहते हैं, जैसे सिविल्स डेली का मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें भी जैसा आपने कहा कि चुप मत बैठो, मतलब आप अपनी बातें शेयर करो, आप कोई भी जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, क्योंकि जो आपका मेंटोर है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक चीजों को भी समझ सकता है और आपको गाइड कर सकता है. तो एक मेंटोर की क्या अहमियत होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल होता है एक एस्पिरेंट के जीवन में? सिद्धार्थ, दिस इज अनदर क्वेश्चन आई कैन रिलेट विद. देखिए, मेंटर अगर आप किसी भी फील्ड में रख रहे हैं, बीट स्पोर्ट्स, बीट एकेडमिक्स, दैट विल प्ले अ रोल ऑफ अ फैमिली एज वेल फॉर यू. क्योंकि मेंटर का मतलब क्या है? मेंटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो आपको एकेडमिक्स की बातें बता रहा है, आपको आज हिस्ट्री करनी है, पॉलिटिक्स करनी है. इन आई सॉ सर्फिंग थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल्स डेली एज वेल कि कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ था वहां पे पोर्टल टाइप का. तो एक चीज मैंने बहुत अच्छी ऑब्जर्व की कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी हो रही है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ मेंटर, बी ओपन अबाउट योरसेल्फ. जैसे मैं सजल सर का डिस्कस कर रहा था, तो सजल सर से 1-1.5-2 घंटे तक कॉल पे बातें हो रही हैं. तो 2 घंटे हम सिर्फ टेस्ट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सजल सर यूज टू टेल मी कि कोई बात नहीं, अब की बार आईपीएस मिला है, नेक्स्ट टाइम यू विल गेट आईएएस. अच्छा, क्या मिस्टेक्स की थी आपने पिछली बार, क्या नहीं करना है आपको, आपको डेली शेड्यूल में और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं. अच्छा, उन्होंने कुछ फ्री कोर्सेज ना कुछ कोर्सेज मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किए कि ऋषभ यू आर डूइंग वेल, सो यू नीड टू गेट दीज कोर्सेज एज वेल. तो मेंटर का काम आपको सिर्फ एकेडमिकली अच्छा करना नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को, वो आपकी पर्सनल स्ट्रेस जो हम डिस्कस कर रहे थे,
कि एंजाइटी स्ट्रेस कैसे दूर रखें. सो मेंटर विल प्ले दैट रोल, विल दैट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल आई विल से. तो मेंटर के साथ जो भी आपके मेंटर हैं बीट एनीवन, उनके साथ आप ओपन रहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, क्योंकि जो बुक्स की नॉलेज है वो कभी भी बीट नहीं कर सकती एक्सपीरियंस को. सो इफ आई एम हियर क्रैकिंग यूपीएससी सीएसईएन एंड आईपीएस, दैट डज नॉट मीन कि मैं सिद्धार्थ सर को या किसी भी फैकल्टी मेंबर को चैलेंज कर सकता हूँ, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस विल बीट मी एट एवरी अदर कॉर्नर. सो एक्सपीरियंस है उनका, सो दे विल मेंटर यू. So be open with your mentors. Right. Thank you so much for answering that question. That's a very core and very important question that both party, even the mentor and mentee, they have to realize and understand. चलिए exactly. आगे बढ़ते हैं इस Ask Me Anything के सीरीज को लेके. जूली सिंह, could you please unmute yourself and ask your question? जूली आप, हाँ अब आप अनम्यूट हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. यस सर. यस सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर अ फुल टाइम जॉब फॉर सर. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जूली, आपका क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट कीजिए एक बार. आई गॉट दैट क्वेश्चन सर, आई वुड आंसर दैट सर. हाउ टू इनका क्वेश्चन था कि मैं फुल टाइम जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ. सो तो एक दो एक्सपीरियंस ऐसे भी देखे हमने जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. सो दैट इज नॉट सिमिलर बट सेम बट ए सिमिलर सिचुएशन, जहाँ एक तरफ हम कॉलेज को टाइम दे रहे हैं या एक तरफ जॉब को टाइम दे रहे हैं. देयर यू नीड टू रिमेम्बर व्हाट सिद्धार्थ सेड फ्यू मिनट्स अगो, यूपीएससी इज अ मैराथन. देयर यू विल नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग. तो उस मैराथन के लिए आपको धीरे धीरे हर रोज स्प्रिंट्स करनी होंगी. तो आप ट्राई टू बिल्ड ऑन थिंग्स. अगर आपकी एज कम है या 32 के आसपास, मतलब आप नहीं पहुंचे हो जहां आपकी जो लास्ट एज है, तो आप धीरे धीरे बिल्ड ऑन करते रहिए चीजों पे. अच्छा, सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट. यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क एज वेल. हार्ड वर्क इज ऑलवेज देयर, आई विल एग्री विद दैट. But a smart work also needs to be done, especially with regards to UPSC CSC. So you need to cut on your time everywhere you can. Like, अगर आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदू के एनालिसिस देखिए. Like many of my batchmates from 2020 batch as well. Like one is I can say Jagrati Avasthi is there, right. And there are many others who went for these analysis videos. Because not everybody has that time to go for newspapers, especially those who are reading newspapers for 2 or 3 years. So, a basic understanding jab aapki ho jati hai newspapers ki, then you can go for analysis videos as well. Yes, you cannot say that hearing these videos or listening to those videos is a substitute for reading newspaper. But yes, try to be efficient with things. Like, agar newspaper nahi pad pa rahe hain, toh analysis videos dekhiye. Achha, aajkal YouTube pe वैसे भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है. इवन सिविल्स डेली का मैंने देखा यूट्यूब चैनल थोड़े दिन पहले, दे आर प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ कंटेंट ऑन देयर यूट्यूब चैनल. तो आप वहां सर्फ करिए, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है किताब में 3 बार पढ़ने से, आप उसकी 5-10 मिनट की 15 मिनट की जो भी वीडियो होती है वो देख लो. तो ट्राई टू बी एफिशियंट इन योर प्रिपरेशन. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं सकते. यू कैन लर्न वेरी मच फ्रॉम योर जॉब एज वेल. Try to observe things. Try to build on your experience as well. I will share one incident here, a very funny and as well as interesting incident, to be honest. So there was a question, if anybody has given 2021 prelims here, that I can relate with this. A question tha prelims mein aapki baar, jis pe abhi tak debate chal raha hai ki uska sahi answer kya hua. Ek Moringa tree karke question tha kuch. Right. So everyone is still discussing that answer, ki iska answer kya hoga. So us question ko maine theek kahan se kiya, you will be amazed to know. From a rural background, to hamare ghar ke aage ek khali plot hota tha hamara hi. So my grandfather used to plant trees, and coincidentally one of those trees was a tree of moringa, or what we call a sahajna viksh. So
उस क्वेश्चन का आंसर मैंने वहां से मेरे एक्सपीरियंस से, दैट टू व्हेन आई वाज 8 or 10 years old, जब मैंने उस वृक्ष को देखा था कि हाँ ये डिसाइडस है या नहीं, ये एवरग्रीन है या नहीं, वो नॉलेज मैंने मेरे प्रिलिम्स में यूज की। और क्या पता मेरा सिविल अब की बार का जो प्रिलिम्स निकला है वो सिर्फ 2 marks से ही निकला, बिकॉज यू आर नेवर श्योर अबाउट योर प्रिलिम्स स्कोर। तो व्हाट आई नीड टू से इज की try to build on your experience, observe things, observe your society, observe your job as well, so you can learn very much from your surroundings. So try to build on your experiences. No, great, yeah, bahut acha ye experience bataya aapne. I can also share one thing here. Jab main ek aspirant ko mentorship program ke andar aise discussion, kyunki mentorship program mein ज्ञान की बात पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी एस्पिरेंट दिन रात पढ़ता है, ओके सो वहां पे थोड़ी सी सिलेबस से हट के बातें होती हैं, इट्स लाइक मोटिवेशनल टॉक, हाउ यू कैन। सो एक यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था मिताक्षरा और दाई भाग का, हिंदू कोड बिल से रिलेटेड, मिताक्षरा और दाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये बात बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स वो डिस्कस कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि यार ये इम्पोर्टेंट है, हिंदू कोड बिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मिताक्षरा और दाय भाग, इसको समझो, अगर इसको समझ गए तो आपको बेसिक जजमेंट्स पता चल जाएंगे हिंदू कोड बिल से रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पास की है कि बेटियों को भी अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी में अगर वो गुजर जाएंगे बिना विल बनाए। तो जब वो क्वेश्चन देखा उन्होंने और एवरीबॉडी ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स उन्होंने तुरंत सही जवाब दिया, सही सॉल्व करके आया और कहा अरे सर वो तो मतलब डिस्कशन में वो बात निकल गई और हमें क्लिक कर गया। तो दिस इज हाउ अ कनेक्ट एंड बॉन्डिंग ऑफ अ मेंटर एंड मेंटी, एंड दिस इज हाउ आप हर चीज से सीख सकते हो, अगर आप एक्टिव एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो ना तो आप हर चीज सीख सकते हो, समझ सकते हो। एग्जैक्टली दैट, ग्रेट। सो चलिए बढ़ाते हैं इस आगे फिर से सिलसिले को। अगला क्वेश्चन हम पूछने चाहते हैं अवनी मालविया। अवनी, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, गुड इवनिंग। सो माय क्वेश्चन वाज हाउ कैन वी यू नो मैनेज जीएस एंड ऑप्शनल टुगेदर, मतलब क्या जीएस पूरा कुछ दिन के लिए बंद करके ऑप्शनल तैयार किया जाए या दोनों को साथ में तैयार किया जाए, तो साथ में तैयार किया जाए तो किसको कितना टाइम देना चाहिए ऑलमोस्ट? सी दैट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। लेवल मींस कि आप किस लेवल पे हैं प्रिपरेशन के, अगर आपने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं या नहीं, या आपका पहला अटेम्प्ट है, आपने इससे पहले ऑप्शनल कितनी बार किया है, ऑप्शनल किया भी है या नहीं, सो दैट डिपेंड्स। तो यू नीड टू मेंशन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 23, और मतलब दोनों चीजें स्क्रैच से ही स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा ऑप्शनल भी कवर हो गया है, थोड़ा सा जीएस भी कवर हो गया है, पर दोनों के चक्कर में इफेक्टिवली कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ऑप्शनल में लैग बिहाइंड कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो पाएगा वो लंबा सिलेबस की वजह से, ऐसा लगता है कि वो शायद खत्म ही नहीं होगा कभी। ओके ओके फाइन। सी यहां मैं 2 बातें मेंशन करना चाहूंगा। पहला, उनके लिए जिनको लगता है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के यार बोर हो जाते हैं पूरे दिन, ये नहीं हो सकता कि अब मैंने आज पढ़ लिया इस सब्जेक्ट को, मैं यार कल नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा होता है कई लोगों के साथ होता है कि मैं एक दिन में यार मुझे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के साथ मैं बोर हो जाता हूँ। उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि यू डिवाइड योर डे इन 2 halves, इन द फर्स्ट हाफ यू विल गिव योर टाइम टू जीएस, इन द सेकंड हाफ यू विल गिव योर टाइम टू ऑप्शनल, सो इक्वली टाइम दीजिए, तो आपको लगेगा चीजें बहुत धीरे धीरे बट बहुत अच्छे से हो रही है। लाइक इफ यू गिव हाफ अ डे टू जीएस एंड हाफ अ डे टू ऑप्शनल, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। अगर आपने जीएस को 2/3 पोर्शन दे दिया या 3/4 पोर्शन दे दिया और ऑप्शनल को 1/4 दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार मेरा ऑप्शनल तो आज भी वही है जहां एक हफ्ते पहले था। सो एक तो इफेक्टिवली डिवाइडिंग योर टाइम ऑफ अ डे। दूसरा, अगर आप उस काइंड के पर्सन हैं कि नहीं यार मैं तो एक सब्जेक्ट 15 दिन भी पढ़ सकता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, एंड दैट इज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो मुझे क्योंकि मेरा ये था कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन में कवर करना है बेसिकली, तो मैं उस सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करता था पहले। तो अगर वो आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको एक
कह सकते इमोशनल या मेंटल एडवांटेज ये मिलता है कि इफ यू फिनिश अ बुक इन 2-3 डेज यू आर लाइक कि वाह यार मैं तो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, 2-3 दिन में एक बुक हो गई तो इसी सिलेबस की इसी सब्जेक्ट की मैं नेक्स्ट बुक करता हूँ या नेक्स्ट एनसीईआरटी पढ़ता हूँ या इस सब्जेक्ट की नोट्स पढ़ता हूँ। सो ट्राई टू सी कि आप किस काइंड के पर्सन है, आप एक दिन में दोनों पढ़ना चाहते हैं, एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या आप उस काइंड के पर्सन है कि आपको एक दिन में मतलब 10-12 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। सो ट्राई टू सी दैट एंड डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन ऋषभ। वी विल टेक अप द नेक्स्ट एस्पिरेंट। हम 2 से 3 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रीति शर्मा, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। Thank you so much for the opportunity, sir. Good evening to both of you. So my question is, I have been reading a few toppers answer sheet. So there was this question about Dadabhai Naoroji. So the topper wrote the answer very, very precisely, very concretely, and you know, it was like perfect, to the perfect. And I had no idea about what exactly to be written about the Dadabhai Naoroji, because I couldn't find the same thing in the spectrum or the Bipin Chandra. So how exactly do I know on which topic do I need to prepare the notes on? See, here I would like to mention ki ek to aisa hai ki UPSC aisa nahi hai ki kisi book se questions utha rahi hai, ki agar aap spectrum padh rahe hain to wahan se questions utha rahi hai, because if you see the nature of questions, I can mention many, but still I would like to keep it precise. ऐसा है कि यार UPSC जो questions पूछ रही है वो standard questions से थोड़े थोड़े different होने लग गए हैं अब, और होते रहे भी हैं, क्योंकि एक question को बार बार तो repeat नहीं कर सकते ना वो कि 1857 का revolt क्यों हुआ था। So they are also innovating in their questions. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 questions हैं GS1 में, अगर आप एक को answer नहीं कर पाए तो जिंदा तो उसी के पीछे पड़ जाओ। मुझे तो यही क्वेश्चन अब किसी भी तरह करना है। लाइक आई कैन रिकॉल वन क्वेश्चन फ्रॉम 2020 मेंस कि थ्रोस लाइट ऑन द पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ दैट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक था क्वेश्चन पाला आर्किटेक्चर या पाला लिटरेचर इन बुद्धिज्म का, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जहां यू कैन नॉट रिकॉल मोर देन 2-3 लाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाओ और आप मुझे 3-4 दिन बस इसी को पढ़ना है। आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो मतलब हम जिसको कहते हैं ब्रेथ जो कवर कर ली है सिलेबस की, बिकॉज एक तो क्वेश्चन पेपर में जरूर ऐसे होंगे दोस बी लाइक बाउंसर्स टू यू जो आपके सिर के ऊपर से जाएंगी, एंड देयर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट व्हाटएवर यू रिमेंबर अबाउट दैट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट कंप्लीटली ब्लैंक, बिकॉज एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे। तो इसमें अपने आप को डाउट में मत लाइए कि मुझे रिवीजन की स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। योर रिवीजन स्ट्रेटेजी इज फाइन इफ यू आर गोइंग गुड इन 17-18 क्वेश्चन। अगर एक आध क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद योर रिवीजन। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन ऋषभ। वी विल टेक द नेक्स्ट अप फ्रॉम तन्मय पंत। तन्मय, कुड यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग टू द सर्विस। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन मेरा ये था फिल्म्स के बारे में स्पेसिफिकली कि जैसे इस टाइम पे जो मार्क्स हैं, क्योंकि मेरा 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो जो मार्क्स हैं मेरे वो अभी कंसिस्टेंट भी नहीं है और इतने अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम पॉइंटर्स डिस्कस कर सकते हैं स्पेसिफिकली फिल्म्स के रिगार्डिंग कि मार्क्स इंप्रूव हो सके, और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स होती हैं लॉजिकल रीजनिंग की इन सब की जो कि बोलते हैं कि फिल्म्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे स्कोर बूस्ट होता है, उनको कैसे अप्लाई करें। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था ऑप्शनल के बारे में, सॉरी मेंस के बारे में, कि मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले कितनी हो जानी चाहिए कि हम सोच सके कि हाँ एक डेफिनेट प्रिपरेशन है हमारी मेंस के लिए। सी आई वुड आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, मेंस प्रिपरेशन बिफोर प्रीलिम्स और विद प्रीलिम्स। देखिए ऐसा है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई you need to prepare for prelims as well as mains simultaneously. aisa nahi hai ki prelims ka kuch syllabus alag hai, mains ka alag hai, and you will prepare separately for those. you need to do it simultaneously.
what differs in prelims as well as mains is the depth of that topic, that particular topic. क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. यू नीड नॉट स्टडी एनीथिंग डिफरेंट फॉर मेंस एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स लाइक सोसाइटी. बट यहाँ आपको नोट्स बना रहे हैं, नोट्स इज द की आई वुड से हियर. नोट्स जो बना रहे हो इस प्रकार बनाए कि वो आपको प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करें. बिकॉज डिवाइड करके आप चलेंगे कि मैं पहले प्रिलिम्स का प्रिपेयर करूंगा, मेंस का प्रिपेयर करूंगा. I don't think that this strategy works. सर जैसे मैं अगर बताऊं तो मेरी जो मेंस की प्रिपरेशन है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने ऑप्शनल के अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं. मुझे आइडिया है, मतलब याद नहीं है मुझे चीजें, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो मुझे एक आइडिया है कि चीजों का कंसेप्ट क्या है, और मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रखी है. तो सर मेरी इतनी प्रिपरेशन है अभी मेंस के लिए. That's fine. If you are left with just 2-3 months, just focus on your prelims. क्योंकि prelims ही नहीं होगा तो आप मेंस भी क्या करोगे ना. So focus. Exactly, if you are well prepared for mains, then focus on prelims. As far as your questions with regards to prelims is concerned, I would say ki first of all techniques. Techniques ka yaar aisa hai ki you can use techniques when you have knowledge as well as experience or observations. So aisa nahi hai ki aapke paas knowledge hai to aap wo skills ko bhi use kar paoge. Agar aapke paas experience hai, experience kahan se aayega? Wahi mock test karoge, aap mock test lagaoge, aapko pata chalega ki meri galtiyan kya kya hain aur meri strength kya hai. Strength bhi hame mock test se hi pata chalti hai ki meri strength hai ye. So wahan aap test mein kuch skills use kar rahe hain like elimination. So UPSCR itna dynamic ho gaya hai, you cannot score with very great accuracy more than 60-65 questions na. तो वहां आपको स्किल्स यूज करनी इंपॉर्टेंट ही हो गई है. तो ऐसा हो गया है, देयर यू नीड टू कंबाइन योर नॉलेज विद योर एक्सपीरियंस विद योर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, लाइक आई मेंशनड दैट एग्जांपल ऑफ मोरिंगा ट्री बिकॉज आई हैड नो क्लू अबाउट दैट क्वेश्चन एज फार एज थ्योरी एस्पेक्ट इज कंसर्न बिकॉज बट व्हेन आई कंबाइंड इट विद माई एक्सपीरियंस दैट वर्क. तो स्किल्स का ऐसा है एक्सपीरियंस के साथ वो धीरे धीरे बिल्डअप होंगी और उनको बिल्ड कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू और यूज कीजिए. सर जस्ट वन लास्ट थिंग. सर वन लास्ट थिंग दैट आई हैव गिवन मेनी मॉक टेस्ट फॉर मेंस एज वेल, लाइक 15 के अराउंड मैंने मॉक टेस्ट दे दिए, 15 प्लस दे दिए. एंड सर माई स्कोर हैज बीन कंसिस्टेंटली अबव 95, लाइक इनिशियली इट वॉज लो बट देन 9500 टच करा था. सर मुझे ये पूछना था कि हम कितना रिलाय कर सकते हैं मॉक टेस्ट के मार्क्स पे, गिवन कि अगर हम प्रीलिम्स क्लियर कर लें तो हाउ श्योर कैन वी कि हम एटलीस्ट मेंस तो क्लियर कर लें, वी कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल. सी नॉट अ बिट आई वुड से कि मॉक के मार्क्स पे रिलाय करना दैट इज अ काइंड ऑफ सुसाइड आई वुड से. मॉक टेस्ट आपको मार्क्स देने के लिए नहीं है. मॉक टेस्ट आपको ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. सो डोंट रिलाय ऑन मॉक टेस्ट मार्क्स. हाँ, जो आपको आपके मेंटर्स जो आपको फीडबैक दे रहे हैं ना, दैट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू वुड गेट फ्रॉम मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट के मार्क्स पे रिलाय मत कीजिए. मॉक टेस्ट मार्क्स यार बहुत लो हो रहे हैं किसी के, लाइक कनिष्क कटारिया यूज्ड टू गेट 77-75 मार्क्स, स्टिल ही मैनेज टू स्कोर वेरी वेल एंड दैट हैपन टू मेनी अदर्स एज वेल. तो स्कोर पे रिलाय करने के बजाय आई वुड से कि फोकस ऑन द फीडबैक गिवन बाय द मेंटर्स एज वेल एज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू एक्सप्लोर. उनपे मार्क्स वर्क्स पे ज्यादा रिलाय करना ठीक है नहीं. राइट, ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस ऋषभ. वन लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक एंड वो होंगी एकता. एकता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. कांग्रेचुलेशन ऋषभ सर. सर आई वांटेड टू आस्क कि जैसे किसी भी हेल्थ इश्यू या किसी भी रीजन की वजह से कोई 1-1.5 साल का या ऐसे कोई गैप हो जाता है तो उसके बाद में वापस से कंसिस्टेंसी बनानी होती है और वापस से सब चीजें स्टार्ट करने के लिए कैसे क्या किया जाए, क्योंकि काफी गैप होने के बाद और सब कुछ चीजें वापस से बेसिक से स्टार्ट करने के लिए बहुत वो डिफिकल्टी आती है. एग्जैक्टली दिस इज बाउंड टू हैपन. ये होता है, मतलब distractions as we discussed in the starting as well, distractions होंगी, जरूर होंगी किसी ना किसी प्रकार की, because these are formative years of life ना. So हर type की problems होती है, especially when you pass year or 1.5 year, 1-1.5 साल निकल जाए तो बहुत मुश्किल होता है obviously उन चीजों पर concentrate कर पाना. पर वहां आप क्या कर सकते हैं कि आप
चीजों पर बिल्ड ऑन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हेल्थ इश्यूज भी आपके कुछ हुए हैं तो आप वहां से भी कुछ सीखिए कि वहां भी कुछ मुझे सीखने को मिला, या मैं हॉस्पिटल में भी रही कुछ दिन तो मैंने हॉस्पिटल की भी कंडीशंस देखी, पब्लिक हेल्थ केयर देखा मैंने, प्राइवेट हेल्थ केयर देखा, पब्लिक हेल्थ केयर में क्या इश्यूज हैं ये मैंने देखा। तो ट्राई टू गेट पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ दैट। सेकंड थिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। आई वुड से कि छोटे 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 स्टेप्स लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक कदम के बाद सीधा तीसरी तीसरे स्टेयर पे ही कदम रखना है हमें। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उन पे बिल्ड कीजिए धीरे धीरे आप। बिल्कुल, अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तीन स्टेप ऊपर जाके आप जब नीचे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं तो ऊपर आया हूँ, मैं तो अच्छा। यहाँ स्टेप छोटा लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक आप नीचे खड़े रहेंगे इस वेट में यार वो फिफ्थ स्टेप पे खड़ा है और मुझे वहां पहुंचना है, तो आप सिर्फ सोचने में ही टाइम निकालते रहेंगे हर टाइम कि यार मुझे वहां पहुंचना था, वहां पहुंचना था। एंड व्हेन यू गेट अ लिटिल बिट स्टेप्स, आप तीन चार स्टेप्स चढ़ जाएंगे तब आपको लगेगा कि यार मैं तो इसके पास भी आ गया और मैं जहां था वहां से भी बहुत ऊपर आ गया। सो यू नीड टू टेक दिस सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स एंड ट्राई टू बिल्ड ऑन थिंग्स। हर रोज अपने एक्सपीरियंस को एनरिच कीजिए एंड बी प्रे फॉर योर गुड हेल्थ एज वेल। थैंक यू सर। Great, Rishabh. Siddharth, I would say ki there is a guy named Shyam Sundar and he has raised his hand for past half an hour. So please let him ask a question here. All right, Shyam, dekhiye directly IPS sahab aapke liye bol rahe hain kuch. Please unmute yourself and ask your question. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो मेंस में आंसर राइटिंग थी और उसको करंट अफेयर से कैसे रिलेट करके उसको लिखें, और दूसरा क्वेश्चन है जो सर मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ सर, ये किस में पीएच वन में आता है, पीएच टू, पीएच थ्री में, किस ग्रुप में आता है सर? तो सिद्धार्थ श्याम सुंदर सॉरी, मैं ये तो आपको नहीं बता पाऊंगा ये डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वाला, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यूपीएससी की हेल्पलाइन पे भी डायल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। वहां आप अपने पूछिए कि मुझे ये डिसेबिलिटी है, और आप नोटिफिकेशन में भी जा सकते हैं। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में डिटेल्ड लिखा होता है कि इस डिसेबिलिटी के कारण ये क्राइटेरिया और ये छूट होती है। सेकेंड थिंग अबाउट मेन्स आंसर राइटिंग, आई थिंक यू आस्क्ड कि करंट अफेयर से कैसे रिलेट करें, वो शाम आपको रिलेट आंसर राइटिंग में नहीं करना है, आपको रिलेट करना है आपके नोट्स में, आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि जब आपके नोट्स के साथ करंट अफेयर्स अलाइन होंगे वहां आपको पता होगा कि लाइक सी इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, तो जब आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में कल परसों वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वो ऐसे हुआ था, वहां ये लावा एसिडिक या बेसिक लावा था, देन यू कैन रिलेट मोर विद दैट टॉपिक। तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये तो समझना आसान है, ये वोल्केनिक करप्शन इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में सीधा कभी भी रिलेट नहीं कर पाओगे ऐसे, तो जब तक आपने अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं किया है। सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड करंट अफेयर्स इन योर नोट्स एज वेल, अपने नोट्स में एड करते जाइए जो भी आपने आज पढ़ा है, और उसको अपने स्टैटिक्स पोर्शन के साथ लिंक कीजिए हमेशा। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक ऑलरेडी हम अपने टाइम जो हमारा अलॉटेड था 8 बजे का, वो इस इन बातों के सिलसिले में थोड़ा सा 8:13-14 हो गया, बट आई एम श्योर कि ये सारे आई एम ग्लैड टू इंटरेक्ट इन फैक्ट। या लिटरली मुझे भी काफी मजा आया, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सेशन और इंटरेक्टिव होता जाएगा, सो आई होप हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो हम और इंटरेक्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों एस्पिरेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस प्लीज होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम इसी टाइम पे हम एक नए टॉपर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आएंगे और आपके इन्हीं क्वेश्चंस का हम जवाब फिर से देंगे, ठीक है? क्योंकि आप सॉरी फॉर इंटरप्शन वंस अगेन यार, देयर इज समवन नेम्ड सुब्रमण्य भारती, सो दैट पर्सन इज आस्किंग अस question for last one hour ki how to make precise and concise notes, so let me answer that as well. Yeah, please, please answer. See, as far as notes are concerned, I said that a few minutes ago as well ki notes jo hai aapki jo hai key factor hai aapki preparation ke, aapke odds jo hote hai exam ko crack karne ke, wo utne hi zyada badhenge jitne aap acche notes bana paoge.
तो कंसाइज नोट्स कैसा है, पहले आप बेसिक रीडिंग कीजिए किसी भी बुक की, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है देन यू इन द सेकंड रीडिंग यू स्टार्ट मेकिंग, अब पहले रीडिंग में भी रफ नोट्स बनाइए, नोट्स जब जब आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं नोट्स बनाते रहिए, नोट्स जितना आप बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंड रीडिंग में और अच्छे नोट्स कीजिए, हाँ बाद में चीजों को करंट एज वेल एज अदर बुक्स के साथ या अदर नॉलेज के साथ अपडेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। और आप इस बात के इंश्योर भी कर रहे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में जो एस्पिरेंट्स काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सो आई एम ग्लैड कि आपकी नजर चारों तरफ है। नो So that's what I said. You need to, you know, have very good observation skills as well, na? Right. So, दोस्तों आप ये चीज भी सीख सकते हो definitely. और मुझे आज के टाइम पे आज इस कॉन्वर्सेशन में जो मुझे जो कुछ सीखने को मिला है ऋषभ से वो ये है कि फिलहाल ऋषभ रिसेंटली अभी एक आंसर दे रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व जो भी आपके आसपास चल रहा है, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो या अगर आप सड़क पे चल रहे हो, बीइंग एन एस्पिरेंट आप सबसे पहले तो अपने आप को प्राउड फील करिए कि आप पूरे जनता से पूरे क्राउड से अलग हैं, क्योंकि आपको exactly. वो डब्ल्यू हाउ व्हाट वेयर व्हाई सब पता है आपको, ठीक है, आम आदमी को इतना नहीं पता है, तो आप क्राउड से बहुत अलग हैं। जैसा कि ऋषभ ने बताया कि हर एक माहौल को आप सेंस करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। मेंस आंसर राइटिंग में एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारे एंगल्स होते हैं। इस एंगल को आप लेके चलोगे तो अपने आंसर आप फ्रेमवर्क बना सकोगे। एंड दिस इज हाउ आई थिंक ऋषभ वॉज पॉइंटिंग आउट कि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हैं या अगर आप दूध लेने भी जा रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या सजेशंस आप दे सकते हो और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। यही होता है इस तैयारी का सबसे बढ़िया नजरिया, ऐसे हम कर सकते हैं तैयारी। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जाते जाते एक चीज मैं आप सबको यहाँ पे कहना चाहूंगा और खास तौर पे ये ऋषभ के लिए है, ये ढूंढ के मैंने निकाला था, ये एक पोएट्री है तो ये ऋषभ के लिए। आप ऑफ कोर्स आप सब भी मोटिवेट होगे कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की मुट्ठी को जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं तुम कब तक मुझको रोकोगे। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और वो मेहनत आपके सामने आईपीएस ऋषभ शर्मा जो कि आपके सामने खड़े हैं उन्होंने दिखाई है, प्रूव करके दिखाया है और आप सब भी कर सकते हो। और मुझे बहुत खुशी होगी कि इन सारे एस्पिरेंट्स में से अगर कल कोई एग्जाम क्रैक करता है तो मैं प्राउड के साथ उनका भी इंटरव्यू इसी प्लेटफॉर्म पे लूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एज वेल, दिस वाज अ वेरी डिसेंट क्राउड टू बी ऑनेस्ट एंड आई एम ग्लैड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड जैसा कि सर ने इस पोएट्री में कहा और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी जो था कि शायद एकता ने पूछा था कि एक डेढ़ साल जब निकल जाए ऐसे सेटिंग्स में उसके बाद कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो मैं सर की पोएट्री से ये एक बात उठाऊंगा कि जब पत्थर फेंके जा रहे हैं आपके तो उन पत्थरों को उठाइए और उन पत्थरों से अपना रास्ता बनाइए। तो बिल्ड योर ऑन वे। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, ये तो आपने वो बात कह दी कि जब श्री राम लंका के लिए पधार रहे थे तो उन्हीं पत्थरों को इस्तेमाल करके उस पे राम लिख के और फिर लंका तक की रास्ता बना दिया। Exactly. राम श्री, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया आज के सेशन में। ग्रेट, थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर ज्वाइनिंग अस और एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और अपना आपका कीमती देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड और हम मिलते हैं अगले आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम में। तब तक जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.